मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ मुहिम 23 मई 2022 से शुरू होने वाली थी, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। परभणी के आयुक्त, परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार और परभणी शहर महानगर पालिका के प्रशासक देवीदास पवार, ये इन्होंने मीटिंग बुलाई, लेकिन परभणी शहर महानगर पालिका के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने इन्हें यहाँ पर बहुत सी मीटिंग में तो बहुत से कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर रहे, जिन पर 500 रुपये का दंड लगाया गया है। आयुक्त देवीदास पवार इनकी जानिब से दंड लगाया गया है। उपायुक्त यहाँ पर इन्होंने मीटिंग ली थी और मीटिंग में जो लोग इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे उन विभाग प्रमुखों पर 500-500 रुपये का दंड लगाया गया है। उसके बावजूद परभणी शहर में अतिक्रमण धारक जितने भी लोग हैं इन लोगों ने अपना अतिक्रमण हटाने की कोशिश, लेकिन परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने पुलिस महकमे से पुलिस बल मंगाया है। पुलिस बल मंगाने के लिए यहाँ पर चार्जेस भरना पड़ता है। परभणी के जिला पुलिस अधीक्षक जयंत मीना, इन्होंने अपने पुलिस महकमे के लोग सुरक्षा के तौर पर भेजने के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनकी अतिक्रमण मुहिम को हटाने के लिए जो भी पुलिस बंदोबस्त देंगे उसके चार्जेस का लेटर भेजा है, लेकिन परभणी शहर महानगर पालिका के पास में वो चार्जेस भरने के लिए पैसा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अतिक्रमण की मुहिम जो परभणी शहर में चालू होने वाली थी वो चालू होने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो गई है। परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्होंने इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो अवैध रीति से जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है ऐसे लोगों को आह्वान तो किया गया है कि आप महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी आने से पहले ही अपना अतिक्रमण हटा लें, और कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाया है, लेकिन जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया ऐसे लोग क्या करेंगे, और जिन लोगों ने अतिक्रमण हटाया है परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया है। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार यह कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से शहर में नाले सफाई का काम चालू है, लेकिन कहीं पर नाले सफाई की जा रही है तो कहीं परभणी शहर के कई एरियो में नाले सफाई अभी तक नहीं की गई है। संबोधि अकादमी की जानिब से आज पूरी तरह से 105 जोड़ों की शादियां की गई हैं। जिस तरह से संबोधि अकादमी महाराष्ट्र और सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन इनके संयुक्त विद्यमान से जिस तरह से 21 साल से शादियों का सामूहिक विवाह सोहरा लिया जाता है, आज 105 जोड़े विवाहबद्ध हुए हैं, जिसमें अनेक मान्यवर उपस्थित थे, जिसमें खासदार फौजिया तहसीन खान, माजी आमदार विजय गवान है, उसी के साथ में माजी आमदार मधुसूदन केंद्रे और परभणी जिला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाड़े ये भी इस वक्त मौजूद थे। परभणी की जानी मानी शख्सियत भीमराव हत्ती अंबिरे ये पिछले कई वर्षों से विवाह सोहड़े का आयोजन करते हैं, और जिस तरह से इन्होंने विवाह सोहड़े का आज आयोजन किया है हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग महाराष्ट्र भर से आए थे। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग इस विवाह सोहड़े में मौजूद है। 105 जोड़े विवाहबद्ध हुए और 105 जोड़ों का जो विवाह यहाँ पर हुआ है, परभणी की जानी मानी शख्सियत भीमराव हत्ती अंबिरे और उनके भतीजे सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे, इन दोनों काम किया है समाज में। जिस तरह से ये लोग 105 जोड़ों की शादियां कराने में पूरी तरह से कामयाब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के खासदार फौजिया तहसीन खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के माजी आमदार मधुसूदन केंद्रे और उसी के साथ में माजी आमदार विजय गवाने ये यहाँ पर मौजूद थे। जिला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाड़े इनकी मौजूदगी में ये शादियां की गई है। 105 जोड़े जो विवाहबद्ध हुए हैं आज, परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत सिद्धार्थ हत्ती अंबिरे और भीमराव हत्ती अंबिरे ये चचा भतीजे की जोड़ी पिछले कई वर्षों से समाज में डेवलपमेंट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और लाखों रुपया खर्च होता है शादी करने में। एक ज़रूरतमंद और गरीब घर के जोड़े को शादी करने में जब लाखों रुपये का खर्चा होता है तो ये लाखों रुपये का खर्चा उन जोड़ों का बचा हुआ है जो समाज में ऐसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, लाचार और बेबस लोग हैं, ऐसे 105 जोड़े विवाहबद्ध हुए हैं आज परभणी शहर में। जिस तरह से एक माहौल देखने को मिला है आज के पिछले कई साल से भीमराव हत्ती अंबिरे ये सामूहिक विवाह सोहड़े का आयोजन करते हैं, और ऐसे शख्सियत के मालिक है जो हर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हर व्यक्ति के दिल पर राज करते हैं, हर अधिकारी के दिल पर राज करते हैं। दोनों चचा भतीजे जिस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि खासदार फौजिया तहसीन खान इनका सत्कार
भीमराव हत्ती अंबीरे ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, इनके अलावा इन्होंने जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से खादर फौजिया तहसीन खान इनका सत्कार किया जा रहा है भीमराव हत्ती अंबीरे इनके जानिब से। इनके अलावा माजी आमदार विजय गवाने इनका भी सत्कार किया गया है। माजी आमदार मधुसूदन केंद्रे इनका भी सत्कार किया गया है। और इसी के साथ में जिला परिषद के CEO शिवानंद टाकसाड़े साहब इनका भी स्वागत किया गया है। सिद्धार्थ हत्ती अंबीरे इनका जन्मदिन जिस तरह से मनाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज के सभी मान्यवर मौजूद थे। और जिस तरह से भीमराव हत्ती अंबीरे इन्होंने पूरी तरह से कामयाबी के साथ में इस शादियों का नियोजन किया है। 105 जोड़े विवाहबद्ध हुए हैं सामूहिक विवाह सोहड़े में। आप देख सकते हैं कि 21वां भव्य विवाह सोहड़ा इस वक्त मनाया गया है भीमराव हत्ती अंबीरे इनकी जानिब से। जिस तरह से ये दुआएं लेने का काम करते हैं समाज में, भीमराव हत्ती अंबीरे एक ऐसी शख्सियत के मालिक है कि एक इन्हें अब परभणी का आमदार होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 12 जून 2022 को जिस तरह से महाराष्ट्र में आमदार नियुक्त करना है, भीमराव हत्ती अंबीरे पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं परभणी का आमदार बनने की। और इस वक्त इन्हें इस बार मौका भी मिलना चाहिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से। भीमराव हत्ती अंबीरे जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भीमराव हत्ती अंबीरे इन्हें न्याय भी मिलना चाहिए, इन्हें भी आमदार बना देना चाहिए। शरद चंद्र जी पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा है, इन्होंने इस बार खास तौर से ख्याल रखना चाहिए भीमराव हत्ती अंबीरे इनका, और इन्हें इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से आमदार नियुक्त कर देना चाहिए। जिस तरह से ये पिछले कई वर्षों से सामाजिक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, समाज में फलाह और बहबूदी के हित के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम किया जा रहा है सामूहिक विवाह सोहड़े का। और सामूहिक विवाह सोहड़े में 105 जोड़े जो विवाहबद्ध हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए और महाराष्ट्र भर से लोगों ने आकर यहाँ पर इस विवाह सोहड़े में हिस्सा लिया। जिस तरह से हिस्सा लिया है लोगों ने, जिस तरह से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर एक दूसरे दुआएं लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिन लोगों की यहाँ पर शादियाँ की गई हैं, जिन लोगों का विवाह सोहड़ा किया गया है, वो लोग भी किस तरह से आप नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीमराव हत्ती अंबीरे इनके साथ में लोग फोटो खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। आहे कुणाचं योगदान दाल दिव्याच्या गाडीला, आहे कुणाचं योगदान दाल दिव्याच्या गाडीला। धनंजयजी मुंडे साहेब यांच्या प्रतिनिधी म्हणून
माननीय भीमराव जी एमएलए साहब यांचं स्वागत करते सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करा व तसेच नागेश फुलारी हे माननीय समाजभूषण भीमराव महाकारणी एकदा भगवान बुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा फुले छत्रपती शाहू महाराज शिवाजी महाराज आणि परिवर्तनाच्या चळवळीत त्यांनी आयुष्य वाहिलं अशा सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन करतो. आज या मंगल परिणयासाठी उपस्थित भिक्खू संघ यांना त्रिवार वंदन करतो. या विवाह सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय खासदार फौजिया खान मॅडम संबोधी अकादमी महाराष्ट्र आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्या वतीने 21वा सामूहिक विवाह सोहळा पार पडला. या सोहळ्यास प्रमुख अतिथी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा खासदार माननीय फौजिया खान मॅडम, माजी आमदार विजयराव गव्हाणे साहेब, माजी खासदार सुरेशराव जाधव साहेब, माजी आमदार मधुसूदनजी केंद्रे, जिल्हा परिषदेचे प्रशासक शिवानंदजी टाकसाळे, महानगरपालिकेचे प्रशासक देविदाजी पवार, सिद्धार्थ आत्यंबिरे, विजयराव वाकोडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावर्षीच्या विवाह सोहळ्यामध्ये 105 विवाह झाले. गेले 21 वर्षापासून हा विवाह सोहळा सातत्याने सुरू आहे. मागच्या 2 वर्षात कोरोनामुळे हा सोहळा सुरू होऊ शकला नाही, पण यापुढे हा विवाह सोहळा सातत्याने राहणार आहे आणि गरिबातल्या गरीब माणसाला याची मदत होणार आहे. समाजातल्या सर्व नागरिकांना विनंती करतो की आपले विवाह सामूहिक विवाह सोहळ्यात करावे, जेणेकरून कमीत कमी खर्च होईल आणि हा अनावश्यक झालेला खर्च वाचून वधूवरासाठी भावी आयुष्यासाठी कामात येईल. ये न्यूज खबर की हमारे प्रभारी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. मोबाइल नंबर 98812901190. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर पर बनी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगा खेड़ रोड, परभनी. 24 तास सेवा.
अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर वनी शहर के किसी के भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में, ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881290190।